Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NCS Research. आज की हमारी वीडियो होगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और अभी भी इवन सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेश्चनिंग अभी तक यही है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स कब ओपन करेगा. उसके ऊपर जो भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है एजुकेशन मिनिस्टर की एलन टच की, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे. वो पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं जो हमारी उर्दू ऑडियंस है उसके लिए भी मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि उन्होंने बेसिकली इस आर्टिकल में उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको फिर एनालाइज करेंगे. तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब द चैनल तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे. 16th of August 2021 को एक समिट उन्होंने अटेंड किया है एलन टच ने और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका जो वैक्सीनेशन रेट है ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल वो अब डे बाय डे जो है वो इंक्रीज कर रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कब तक वापस आएंगे ये टोटली डिपेंड कर रहा है उस वैक्सीनेशन रेट के ऊपर कि वो कितना ज्यादा इंक्रीज होगा. जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बेसिकली है और वैक्सीनेशन रेट कंटिन्यूज टू इंक्रीज सो टू विल आवर एबिलिटी टू वेलकम बैक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ये उन्होंने समिट में बेसिकली ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है. जो अगली स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो है जी द नेक्स्ट माइलस्टोन वी नीड टू रीच इज 70% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन टू बी फुली वैक्सीनेटेड. That will take us to into the transition phase where we can allow greater capped entry of student visa holders subject to quarantine arrangements and availability. अब अगला जो उन्होंने कहा जो टारगेट है हमारा रेट तो इंक्रीज हो रहा है डेली बेसिस पे लेकिन 70% तक हमने इसको लेके जाना है और जब 70% तक वो चला जाएगा तो उसके बाद ग्रेटर कैप्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन की जाएंगी और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फिर उसके बाद 70% के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो सकेंगे. तो यहां तक तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. जो बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं बॉर्डर कब ओपन होंगे कब ओपन होंगे, उसका जो आपको शॉर्ट आंसर है वो यही है कि जब तक 70% ओवरऑल आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती है ऑस्ट्रेलिया की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जो एडल्ट्स हैं वहां पे उनकी नहीं पूरी होती तब तक तो बॉर्डर ओपनिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, इम्पॉसिबल है. तो 70% तक तो हर हाल में वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. एज ऑफ अगस्त 2021 23.5% की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो दो डोजेज अपनी ले चुकी है जो कि सरप्राइजिंग रेट वैसे ज्यादा ही है. अभी ये कुछ अर्से पहले 16-18% पे थे तो वैक्सीनेशन का इसका मतलब है वर्किंग, ये लोग स्पीडली कर रहे हैं और वैक्सीनेशन पे फाइनली इनका फोकस अब है तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि चलो ठीक है वैक्सीनेशन पे जो है ये फोकस कर रहे हैं. उसके अलावा जो लीसा सिंह हैं फॉर्मर सेनेटर एंड डिप्टी चेयर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल बोर्ड, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसी तरह ही करता रहा, इन्होंने अगर कोई टाइम लाइन या डेड लाइन इन्होंने ना दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो इनकी जो ओवरऑल एक इमेज है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्टडी डेस्टिनेशन है वो इस इमेज को अपना खराब करेंगे और इस इमेज को वो लूज करेंगे. नेशनल लेवल पे नेशनल कैबिनेट लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको उस पर ये डिस्कस करना चाहिए. अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की जो रेपुटेशन है उनकी जो ओवरऑल इमेज है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो डैमेज होगी. अब जो पहले न्यूज़ थी वो ये थी कि जब तक 80-85% नहीं होगा तब तक ये बॉर्डर्स ओपन नहीं करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं कि 70%, अब ये ऑथेंटिक न्यूज़ की सेंस में हम इसको इसलिए लेंगे क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है फेडरल मिनिस्टर है वो मुताबिक तो नहीं है, तो अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको सीरियसली ही लेना चाहिए और उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि 70% तक होगा तो उसके बाद पॉसिबल होगा. जो हम लोग प्रीवियस वीडियोज में भी हम लोग जो कहते रहे हैं जो हमारा मेन उसमें फोकस रहा है वो यही रहा है कि आपको वैक्सीनेशन के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए ज़्यादा और उसके साथ साथ आपको बॉर्डर ओपनिंग करनी चाहिए. अब बाकी कंट्रीज तो हैं जो जहाँ पे 50% भी नहीं है तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे लेकिन चलें ठीक है. ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए जिस तरह उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन को ट्रीट किया बहुत बुरे तरीके से इस गवर्नमेंट ने स्पेशली, अगर उनको माइंड में रखा जाए और उनको देखा जाए तो ठीक है उस हवाले से मतलब इस तरह की स्टेटमेंट आना भी ठीक है. चलें ठीक है 70% पे ही ओपन कर लें लेकिन करें तो सही. तो अभी तो यानी कि 23.5% जो है वो हुए हैं तो 70% तक अगर इन्होंने इस रेट पर लेकर जाना है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बाय दिसंबर जो है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. जो टारगेट इन्होंने सेट किया था पहले तो बाय दिसंबर 100% का रखा हुआ था इन्होंने लेकिन चलें बाय दिसंबर अगर 70% का भी रखते हैं, अभी बाद में इन्होंने इसको 80% भी किया लेकिन अब 70% इट्स क्वाइट रीजनेबल. यानी कि ये नज़र आ रहा है कि 70% तक का जो टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया पूरा कर सकता है अगर इसी रेट पर भी ये लोग वैक्सीनेशन करते जाए. अभी तो आपका अगस्त मिड से भी अभी क्रॉस किया अभी आप लोगों ने तो इट्स क्वाइट पॉसिबल के 70% जो है बाय द एंड ऑफ दिसंबर हो जाएगा. तो अच्छी न्यूज़ है जहाँ पे देखें धुलाई बनती है या जहाँ पे स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज करना बनता है वहाँ पे हम लोग करते हैं और हमें करना भी चाहिए, यही हमारा बेसिकली काम है. जो न्यूज़ है उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड करें आप लोगों के सामने, उस पर प्रॉपर जो एक सेंसिबल किस्म का एक एनालिसिस है वो आप लोगों को दें. लेकिन ये न्यूज़ भी यानी कि ये अच्छी न्यूज़ है
टारगेट 70% का है, 10% उन्होंने मजीद कम किया है। अब वो कह रहे हैं कि 70% के बाद कैप्स ओपन होंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर खुद कह रहा है। सो इट्स अ गुड न्यूज कि चलें, अब कोई ना कोई डेडलाइन तो है अभी भी नहीं दी उन्होंने, यानी किस मामले में तो चलाकी उन्होंने पूरी दिखाई है कि डेडलाइन तो उन्होंने ये तो कहा ही ना कब तक पूरा होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा जी 70% जब वैक्सीनेशन पूरी होगी उसके बाद कैप्स ओपन होंगी, तो उस पर एस्टिमेट ही आप ये कर सकते हैं कि चलें ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है अभी वैक्सीनेशन रेट की, तो उसमें बाय दिसंबर इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी ये, बड़े अरसे बाद कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है, सुनने को मिली है, और इसको काइंडली पॉजिटिवली ही लीजिएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो आप लोग अभी बाद में कमेंट्स करेंगे वो यही होंगे, और मैं पहले ही उसे एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है उन्होंने डेडलाइन नहीं दी, उन्होंने की प्रॉपर टाइमलाइन नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अगर ये भी कहा कि 70% तक पे चांसेस हैं तो ये अच्छी न्यूज़ है। 100% की उन्होंने बात नहीं की। वैक्सीनेशन रेट जिस पे हमें बहुत ज़्यादा त्रास था कि ऑस्ट्रेलिया उस पर फोकस नहीं कर रहा, वैक्सीनेशन का रेट कम है, वो भी वहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो अच्छी न्यूज़ ही ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। तो माइंड में अब हमें उम्मीद जो हमें रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि बस जैन फैब जो है काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं इंशाल्लाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।